हम लोग जा रहे हैं वीडियो स्टोर पे सामान लेने। सारी दुकानों के आधे शटर बंद हैं, आधे खुले हुए हैं। अभी देखते हैं सामान मिलता है क्या नहीं मिलता है, चेक करते हैं एक बार जाके, देख लेते हैं। गाइस यार हम लेने आए थे सामान और हमारी किस्मत में सामान था ही नहीं। ये भी हो सकता है, कैमरा देख लिया उसने। थोड़ी से नमकीन चाहिए थी हमें और थोड़ा से वो चाहिए थे टिश्यू पेपर वगैरह, और सामान खत्म हो रहा था तो भाई वो थोड़ा सा लेना था, लेकिन उन्होंने बोला कि खाली 10 अभी 10:30 तक, 10:30 तक खाली, मतलब 15 मिनट लेट हुई है। तो जो अंदर है उन्हीं को अलाउड है, जो 10:30 से पहले घुस, हो सकता है इसने हमारा कैमरा देख लिया हो तो उसकी ऐसी लप लप होगी, कभी पुलिस वुलिस को दे दे। अलाउड नहीं है ना, मेरे भाई चूहा मार रखा है किसी ने, लेकिन मैंने ऊपर से निकाल दी उसके, चढ़ा ही नहीं उस पर। देखता हूँ कोई दुकान इस साइड से मिल जाए खुली, वैसे जहाँ तक मेरे को लग रहा है देख लोगा कि ट्राई कर लेते हैं, लेकिन जहाँ तक यार फ्रूट्स वाले तो खड़े हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है फ्रूट्स वाले को कोरोना नहीं होता क्या? ऑरेंज ले लेना, फ्रूट्स वाले तो खड़े दिखे, आम भी पड़े हैं। तो भाई यार हद यार, घर का सामान चाहिए यार, कहाँ से लाए, देखते हैं चलो। एक पाकिस्तान में एक वीडियो आई थी कि मेरा पोता है, इसकी टट्टी धोने के लिए पानी नहीं है, तो भाई बिल्कुल नीरे अंकल बिल्कुल घोस्ट राइडर बन रहे हैं कोरोना में। चलो देखते हैं फिर कुछ मिलता है तो। चलो भाई देखते हैं यार। गाइस पूरा लॉकडाउन हो रखा है इधर, इतनी मतलब इतना बड़ा मार्केट है, जितने मोटो ब्लॉगर होते हैं सब इधर से निकलते हैं, अगर किसी को मसूरी है देहरादून जाना है। मैंने बहुत सारे लोगों की देखी भी थी, उनमें भी मैं यही नोटिस कर रहा था कि जितनी दुकान है यार सारी बंद है, तो मुझे लगा शायद वो गलत टाइम पे निकलते होंगे, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है फिर सही टाइम पे निकलते हैं, दुकान ही बंद है। अब एक मार्केट आने वाली है चल सामने, ये रिवर राइट वाली, ठीक है इससे देख सकते हैं, इससे चेक कर लेते हैं अगर इस पे होगा तो सही है, वरना बाकी देखते हैं। इधर भी एक मार्ट है उससे भी देख सकते हो तुम। मार्ट वार्ट कुछ नहीं है, सिहानी से एक गाड़ी निकल के जा रही है सामने, एक दुकान खुल तो रही है नीचे, वहाँ कह रहा हूँ मैं, वहाँ चल यहाँ पे न्यूज कह रहा हूँ मैं भाई, ये भी बंद है, लो लो खा लो, ये मार्ट भी बंद है, सब बंद है, हाथी का गोबर खा लो बना के। टाइमिंग ही 10:30 तक है इसलिए सब बंद है भाई। यार एक बार 10:30 के बाद कोरोना मर जाता है कि, मतलब कौन सा लॉजिक है मैं समझ नहीं आ रही। अब ये तो हमें भी नहीं पता कौन सा लॉजिक है, बट वी हैव टू फॉलो दिस नाउ। तो यार मैं अब सो के उठा हूँ और शाम के बज रहे हैं अभी 7, और वहाँ से आने के बाद मैं सो गया था जब मैं आंचल को लेके आया था, उसके बाद आते ही मैं सो गया था क्योंकि मैं पूरी रात सोया नहीं था, और अब मैं सो के उठा हूँ। अब देखता हूँ बाहर क्या चल रहा है, डॉलर और पापा खेल रहे हैं और नीचे आंचल गई हुई है समोसे बनवाने, मतलब बनाने के लिए गई है आंचल, मैंने बोला था कि मेरे को मन कर रहा है समोसे का, तो चलते हैं देखते हैं कैसा समोसा बन रहा है नीचे। डॉलर डोली डोलू हाँ डॉलर टली टलू चल खेल ले खेल ले खेल ले, देखते हैं क्या बन रहा है, कैसे समोसे बन रहे हैं नीचे। डॉलर की आवाज़ आ रही है, डॉलर ऊपर से भूख रहा है, बहुत तेज तेज भूख रहा है, क्या कर रहा है गाइस। ये देखो ये हमारा घर का एरिया है, अरे ऊपर डॉलर भूख रहा है, डॉलर डॉलर। अब यहाँ हो रहा है काम, जैसा काम हो रहा है ये लो भाई समोसे, ये समोसे की वो तैयार हो, ये आलू और ये क्या चीज़ है, ये वो मैदा। अच्छा तो भाई इन दोनों को मिक्स करना भी इसकी जिम्मेदारी है, मतलब इन दोनों को मिक्स करना भी इसकी जिम्मेदारी है, ये करेगी काम अब, और देखते हैं कैसा समोसा बनता है भाई आज। ये सब कुछ यहाँ पे रेडी हो चुका है, कढ़ाई रेडी हो गई और वर्क इन प्रोग्रेस, अब मुझे कम से कम 10 समोसे चाहिए आज, शेफ बन रही हूं फिर से पिछले लॉकडाउन की तरह, मुझे 10 समोसे चाहिए कम से कम, क्योंकि मैं खाना नहीं खाऊंगा रात को भी यही खाऊंगा। बोला किस टाइम था तुमने समोसे बनाने के लिए भाई, वो मैं राजा होता हूं, मैं राजा, जिस दिन राजा ने कह दिया कि भाई सेवा क्या कहते हैं, जिस दिन राजा ने कह दिया ना कि समोसे चाहिए, जिस दिन कह दिया राजा ने कि आज चाहिए इस टाइम चाहिए, तो उपस्थित हो जाने चाहिए, दासी हो राजा की दासी, दो तो मेरी डाढ़ में चिपके रह जाएंगे। गाइस ये मैदा है पागल बना रही है इंग्लिश में, मैटर मैटर कह के, अब हेल्प करो मेरी, चलो यहाँ पे बनेंगे समोसे खाने के लिए। यहाँ पे देखो मेरे अंडे रखे हुए हैं अन्नू, हाँ अगर हेल्प नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे खाने को, खाली बोल रही हूँ। ये क्या क्या मतलब हेल्प क्या करनी है, हेल्प करनी पड़ेगी, लो भाई अब इसकी हेल्प भी करो यहाँ पे, मतलब हम तो आई गलत गए, ये हमारा भाई रूम है दूसरा वाला, मैं क्या निकाल रही हूँ, हम क्यों देखे भाई, मेरे नए चकला बेलन, ओ भाई ये तो अलग ही लेवल का खेल रही है, पता नहीं क्या निकाल रही है तुम से, नए चकला बेलन पांगे मेरे, नए चकले बेलन पे समोसे बनाओगी और क्या, क्यों समोसे कहाँ वहाँ जा रहे हैं यार, मुझे नए पे बनाने थे। लो भाई कोई चीज कह दो, वैसे समोसे भी चकला बेलन पे बनाने, वो भी नए पे, मैं लाई थी ना अपने मम्मी से शीशे वाले, ओ भाई ये कैसा है बे, और ये कैसा बेलन है, ये मेरी मम्मी ने दिया, ये तो भाई ये तो सही लग रहा है, ये कांच का है तो
हाँ, मतलब अगर मैं तुम्हारे सर में फेंक के मारूं भट तो फट जाएगा, तुम्हारा फट जाएगा, मेरा नहीं फटेगा। मजाक के मैं एक जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हाँ। जो लोग अपने मम्मियों से बेलन से पिटते हैं, अगर किसी दिन उनकी मम्मियों के हाथ में ये वाला बेलन आ गया और वो फेंक के मार दे लड़के में, फट जाएगा। छोटा सा ट्राई, हाँ सही, खड़ी हो ना, खड़ी हो, तुम्हारे साथ करता हूँ ना, ट्राई करता हूँ। तो गाइस अभी मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे देखो, वो आप लोगों को दिख रहा होगा वो सामने, ठीक है। तो इस रूम से हमारी पूरी गली दिख जाती है बाहर वाले रूम में, और यहाँ देखो कितना ज़्यादा गैप है, यहाँ पर आराम से दो तीन आदमी रह सकते हो। सामने वहाँ मैं डॉलर को घुमाने ले जाता हूँ, और अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, कुछ है ही नहीं यार। बाकी ये रूम, ये अबे फ़ोन किसका बज रहा है, और अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिख, अगर आप लोगों के पास डॉग है तो भाई अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे डॉग मतलब जो शॉपकीपर होते हैं डॉग वाले, वो कहते हैं कि भाई ये चीज़ ले जाओ डॉग के लिए, चीज़ ले जाओ। तो देखो ये फर्स्ट खिलौना है डॉलर का, जब डॉलर बच्चा था उसने कैसा कर दिया, अभी भोग रहा है अपने नाम से। तो कभी भी जो डॉग के लिए चीज़ लेके आओ, थोड़ी हार्ड लेके आओ, वैसे हार्ड बता के मेरे को दी थी लेकिन उसने पेल दी, हार्ड रबड़ फलाना जगह से हम कोटे पता नहीं क्या क्या कह के मेरे को दी थी, लेकिन भाई डॉलर तो डॉलर है, डॉलर ने की इम्पोर्ट आई बनाता हूँ तेरा मोर भाई, उसने तभी फाड़ दी। अभी इसका ना मतलब इसको पेल रिया पर गुस्सा, ये अन्नु है चैनल, ये मेरा हाथ है चैनल का, और स्ट्रीम का गुस्सा चल यहाँ पे निकल रही है, दोनों चीज डाउन जा रही है, स्ट्रीम भी और हमारा जो ये वाला चैनल है ये भी। तो भाई इसको इसमें गुस्सा बजा के निकल रही है, तो बर्तन वर्तन फेंक रही है, मैं जा रहा हूँ ऊपर। भाई बाय बाय, मैं नहीं खेल रहा भाई, ऐसे गेम में चिटिंग होगी तो मैं नहीं खेलूंगा, गुड बाय। समोसे बन गए पे, समोसे के नाम पे चुनिया रख दिया मेरे सामने, समोसे के नाम पे चुनिया सी बना दी है, इतना सा दिखाता हूँ, ये देखो ये जो बीकानेर के समोसे नहीं होते जरा जरा ऐसे समोसे यहाँ और बन रहे हैं। अरे ये पता नहीं क्या पोस्टमार्टम से गलत डिजाइन बना दिया है कोई, ये और ये अच्छा नमक पा रहे हैं, वाह भाई एक चीज बन रही है, एक फ्री बस बहुत है, और ये अभी और जाने वाले हैं, उबलने वाले हैं, उबल के ऐसे नाचते हैं कढ़ाई में, लग रही है बहुत ज्यादा। और फाइनली समोसे आ चुके हैं यहाँ पे अपने पास, और ये रखा रात का जुगाड़, और हलवाई की शक्ल भाई हलवाई जैसी हो गई है, मैंगो शेक फ्री मिला है समोसे के साथ, ऐसा हलवाई भगवान हर घर में हो जो समोसे बनवाएगा, अगर कोई किसी का मन करे समोसे खाने का तो भाई साहब मैंगो शेक फ्री। तो अब हम लुत्फ उठाएंगे इन समोसे का मैंगो शेक के साथ, चैलेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन समोसा चैलेंज इसलिए नहीं करेगा, अभी बाद में करेंगे क्योंकि अभी इतनी भूख लग रही है कि चैलेंज छोड़ो मैं इसमें टूट पड़ूंगा मतलब, और तुम लोग देखोगे कि तो सुअर है खाने में, तो समोसा चैलेंज करेंगे तमीज से। तो भाई अभी पहले खाते हैं, बहुत भूख लग रही है बहुत ज्यादा। सो गाइस समोसे वमोसे खा के पेट भर चुका है पूरा, ठीक है। और ये जो दिन है अगला है जिसमें मैं ऐड कर रहा हूँ ये वीडियो को, वहां से मैंने बंद कर दिया था व्लॉग कल रात, उसके बाद मैंने स्ट्रीम पे बैठ गया था समोसे खा के, तो ये आप अगले दिन का व्लॉग देख रहे हो जो कि मैंने ऐड कर दिया है कल वाले उसमें। तो यहाँ मैं इस वीडियो को अलग से लाने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि यार इसमें ही ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है जिनको लगता है कि भाई मैं रिएक्शन दे देके दूसरों के व्यूज मतलब जो क्रिएटर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई वो कैरी मिनाती हो या फिर आशीष चंचलानी हो, उन जिन लोगों को लगता है ना कि भाई मैं उनके वीडियोज उठा के खुद रिएक्शन लेके आता हूँ और मैं बहुत तगड़ा अंधा व्यूज लेके आ रहा हूँ और अंधा मेरी कमाई हो रही है, नोट छाप रहा हूँ भाई दबा दब है, पैसों की फैक्ट्री है मेरे घर में, दबा दब नोट चल रहे हैं। तो भाई उन लोगों की मैं थोड़ी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, जो लोग बोलते हैं कि भाई औरों की वीडियो से व्यूज उठाते हो, खुद का टैलेंट दिखाओ खुद का टैलेंट दिखाओ, तो इसलिए मैंने अपने व्लॉग में डाल दिया। भाई अब मैं तुम लोगों की चीज़ बताता हूँ, परसों मैंने एक रिएक्शन डाला था, ठीक है, परसों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, उस वाला जो मैंने परसों रिएक्शन दिया था उस पर जो मेरे व्यूज़ गए हैं गाइज वो गए हैं मात्र परसों की मैं बात कर रहा हूँ 331, और कल जो मैंने व्लॉग डाला था उस पर 332 खाली कल कल में, साफ है मतलब रिएक्शन से ज्यादा जो व्यूज आ रहे हैं मेरे व्लॉग पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की ये बात खत्म हो गई कि व्यूज उठा रहे हो दूसरों के चैनल से दूसरों के उससे। दूसरी बात यार तुम लोगों को लगता है कि सीरियसली तुम लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग आते हैं मेरी लाइव स्ट्रीम पे ये भी बोल के चले जाते हैं कि भाई तुम लोगों को तो घर यूट्यूब से चल रहा है और ये फलाना ढिमकाना, खैर चलो कोई नहीं, मुझे लगता है मैं उनको गाली देने का मन करता है लेकिन मैं नहीं देता क्योंकि उन लोगों को भी इतनी नॉलेज नहीं है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। जिन लोगों को लगता है ना कि भाई यूट्यूब पे ऐड चल रहे हैं वीडियो पे भैया है तो अंधा ही नोट छाप रहे हैं, तो आज मैं तुम लोगों को एक चीज़ क्लियर करता हूँ, अगर तुम लोगों को लगता है कि व्लॉग में जो तुम मेरे पास गाड़ी देखते हो, जो मेरा तुम लाइफ स्टाइल देखते हो, ठीक है देखते हो ऑब्वियसली बात है, ठीक है मेरा घर देखते हो, अगर तुम लोगों को लग रहा है ना कि ये सब भाई एक यूट्यूब ने मैंने एक साल में खड़ा कर दिया है, तो भाई जिन लोगों को लगता है ना तो भाई उनसे बड़ा मूर्ख, ठीक है
बेवकूफ इंसान कोई नहीं है, क्योंकि आप खुद का चैनल बना के देख लो, अगर आपको लगता है आपके 200 500 हजार 15 हजार 20 हजार या 30 हजार व्यूज है, या फिर 40 हजार भी, मैं कह रहा हूँ 40 हजार व्यूज से आप इतना अंधा पैसा छाप दोगे कि आप ये सब चीज ले सकते हो या फिर आप अपनी जिंदगी में मौज कर सकते हो भाई इतना, ठीक है, तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, मैं डायरेक्ट इस चीज में बोल रहा हूँ। ओहो भाई सब चुप हो जाओ, फोन बज गया था। अब मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ अपनी, कि भाई लोग यहाँ पे आगे कह देते हैं कि भाई तुम तो यूट्यूब से कमा रहे हो, तो मेरे भाई कौन सी ऐसी वीडियो है जिसपे मेरे 1 लाख व्यूज चले गए, जो तुम लोग आके कह देते हो दूसरों के व्यूज चुरा रहे हो। अगर मैं रिएक्शन देता हूँ किसी चैनल किसी भी वीडियो पे, उससे मुझे 1,000 2,000 3,000 4,000 मैक्सिमम चलो 60 हजार या 70 हजार व्यूज मिल जाते हैं, तो तुम्हें सीरियसली लगता है उस क्रिएटर को फर्क पड़ता होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जिंदगी में कुछ नहीं करना, मैं लिटरली बता रहा हूँ कुछ नहीं करना, खाली दूसरों के चैनल पे आके कमेंट करनी है, वो भी ऐसे कमेंट जिनकी उसको नॉलेज ही नहीं है दूसरों के व्यूज। तुम लोगों को पता है एक चीज, मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर मैं रिएक्शन वीडियो डालता हूँ ना, 50% वीडियो पे कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट का मतलब पता है क्या होता है? कॉपीराइट का मतलब वो होता है कि जो व्यूज मैं ले रहा हूँ ना, उसका जो पैसा जाएगा वो उस क्रिएटर को जाएगा जिसने वो वीडियो डाली है। तो वाहियातपंती और मतलब इतना फालतू का जो तुम ज्ञान लाते हो, वो तब लेके आ करो भाइयों उन लोगों के लिए जो उल्टी सीधी कॉमेंट लिखते हैं। और हाँ, एक नया ट्रेंड चला है, लड़की को बैठा के व्यूज ले रहा है भाई। ठीक है, मेरी वाइफ है वो, मैं, मेरा ये काम है, इसका भी ये काम है, हम दोनों का चैनल है अनुचल व्लॉग, ये अनुदीप त्यागी है, आचल त्यागी नहीं है, ये अनुचल व्लॉग है, लड़की को बैठा के व्यूज ले रहा है। अब मुझे एक ऐसी वीडियो उठा के दो तुम लोग कि भाई जिस पर लड़की ने 1 लाख व्यूज ले लियो बैठ के, या फिर मैंने उसके साथ बैठ के 2-3 लाख ले लियो। तो कहने से पहले यहाँ पे है ना, मुझे पता है तुम लोगों का जो दिमाग है वो घुटनों में है, लेकिन या तो घुटना सहला लिया करो, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे कर लिया करो, शायद तुम लोगों को अच्छा फील हो जाएगा। और इतने प्यार से मैं ये रिप्लाई दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी पहली वीडियो देखी होंगी जहाँ मैं रैप कर देता था गालियों का, और उस पर व्यूज भी चले जाते थे, लेकिन गंदपना फैला के, ठीक है, फालतू चीज़ों पर रिएक्शन दे के, अगर मुझे ऐसे व्यूज लेने होते, ऐसे चैनल चलाना होता ना, तो भाई इस चैनल का मैं अनुचल नहीं रखता, अनुदीप त्यागी रख लेता, क्योंकि मैं लड़का हूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। तो भाई मेरे को एक तमीज़ से चैनल चलाना है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ तुम लोगों को एक चीज़ यहाँ और क्लियर कर देता हूँ, जिन लोगों के माइंड में ये चीज़ है ना भाई, रिएक्शन वीडियोस क्या होती हैं, फालतू होती हैं, एक काम करो, जैसे टिकटॉक बैन हो गया, यूट्यूबर से बोलो कि रिएक्शन वीडियो को भी बैन कर दें। जितने भी ये मैंने वीडियोस देखी हैं, उन लोगों की देखी हैं जो रोस्टिंग करते हैं, जिनको लगता है भाई वो कैरी मिनाती बन चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनमें इतना टैलेंट आ गया है कि, क्योंकि कैमरे के सामने भाई कैरी जो बोलता है ना, वो पहले अलग बात है कि जो उसका चैनल नहीं चला था या बहुत पहले की बात है, वो गेम खेलता हुआ रोस्ट करता था, लेकिन आजकल कुछ निकल निकल के आए हैं पेंदे पेंदे से भाई, रोस्टिंग कर रहे हैं सारी चीज़, ठीक है, लेकिन रोस्टिंग में जो ये वर्ड बोल रहे हो ना कि रिएक्शन चैनल वालों को बैन कर देना चाहिए, क्या करते हैं, तो भाई एक बात बताता हूँ, मैं इस चैनल पर रिएक्शन भी करता हूँ, व्लॉगिंग भी करता हूँ, और मैं गेमिंग भी खेलता हूँ, मेरी रोस्टिंग दुनिया ने देख रखी है, लोगों को अच्छी भी लगती है, जाके उठा के देख लेना, मेरे व्लॉग पे इस पर रिएक्शन पे इतने नहीं आते जितने मेरे लास्ट वाले जो मैंने रोस्ट किया था पाकिस्तान ठग लाइफ करके पूछे उसको, उस पर व्यूज चेक कर लेना, ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस हिसाब से मेरा चैनल है उस हिसाब से बहुत सही आए थे। लेकिन मैंने वो फेस, मतलब कैमरे के फेस फेस दिखा के रोस्ट किया था, ऐसे नहीं कि भाई गेम चल रहा है और हेलो दोस्तों तुम्हारी माँ का तुम्हारी बहन का इनको ऐसा लगता है इनको ऐसा लगता है, मतलब गेम चल रहा है पीछे से कमेंट्री करो, तुम लोगों को लगता है तुम्हारे अंदर का टैलेंट जाग रहा है, 12वीं क्लास का 11वीं क्लास का 8वीं क्लास का लड़का तुमसे ज्यादा गाली बक सकता है, गेम भी खेल सकता है, सिंपल सी बात है, गेम खिला के और पीछे तुम गालियां जो बक रहे हो ना, मैं तुम्हें सिंपल सी चीज बताता हूँ, अगर तुम्हें लगता है ना रिएक्शन बहुत ज्यादा इजी है और ये बहुत ज्यादा हार्ड है, तो गलतफहमी दूर कर देना, हफ्ते में एक वीडियो गेम खेल के उसके पीछे कमेंट्री करके, अगर तुम लोगों को लगता है तुम बहुत बड़े सुपरस्टार या रोस्टर बन चुके हो, या मतलब गाली वाली तुम्हारे मुंह से निकल रही है और तुम्हें लगता है तुम बहुत कूल लग रहे हो, तो 4-5 लोगों ने कमेंट कर दी वाह भाई वाह, तो तुम सारे कूल हो, तुम फूल। और रही बात रिएक्शन की, डेली अलग वीडियो पर रिएक्शन लाना, सोचना कि भाई आज कौन सी वीडियो पर जाए रिएक्शन जाए ताकि लोगों को पसंद आए, ठीक है, हमारे व्यूज़ अच्छे आ जाए, हमारे व्लॉग पर जैसे जा रहे हैं कुछ इस तरह के आ जाए, हालांकि व्लॉग पर भी डाउन हो गए थे बीच में, रिएक्शन पर भी हो गए थे, लेकिन रोज एक एक सोचना कि यार आज इन लोगों ने ना इस वाली वीडियो पर बोला था, लेकिन उस भाई ने बोला था इस वीडियो पर लेके आओ। उसके बाद ये सब डिसाइड करने के बाद हम एक रिएक्शन लेके आते हैं, ठीक है, और उसको फिर एडिट करना बैठ के, तुम्हारे घर से तुम बुलाते नहीं तुम्हारे पापा को, यहाँ आ रहे एडिट कर वीडियो, ये सब तो मैं करता नहीं, ठीक है, जो लोग ऐसे बोलते हैं मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ, भाई किसी की गुद्दी पकड़ के मैं कहता हूँ भाई मेरी वीडियो एडिट कर, मैंने रिएक्शन बना दिया, खुद करता हूँ ना सारा, ठीक है, जैसे तुम लोग बकवास करते हो रोस्टिंग करके और फिर उसकी आवाज़ ऑफ करके पीछे से कमेंट्री करते हो, वॉइस ओवर डालते हो, तुम लोगों को लगता है ओ माय गॉड कितनी मेहनत हो गई, तो यहाँ भाई मैं व्लॉगिंग में भी एडिट करता हूँ, अपने रोस्ट वीडियो खुद एडिट करता हूँ, अपना रिएक्शन खुद एडिट करता हूँ, ठीक है, तो इस चीज़ में भी मेहनत है, तो
कूल बनने के चक्कर में है ना, दूसरों की मेहनत में पानी मत फेरा करो, बस मेरा यही कहना था। हालांकि ये मैं रोस्टिंग करके जिस जिसने बोला था उसको खुद रोस्ट कर सकता था ये सब बोल के, जिनको लग रहा है ना आजकल के भाई नए नए कैरी मिनाती निकल के आ रहे हैं, कैरी मिनाती एक ही है मेरे भाई, ठीक है, वो तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें किस वे में रोस्टिंग करनी है। और चैनलों को क्यों पढ़ रहे हो भाई, रिएक्शन चैनल को, व्लॉगिंग चैनल को, अपने पे ध्यान दो, दुनिया भर की वीडियो आ रही है उल्टी सीधी उन्हें पकड़ो, लेकिन नहीं, तुम्हें बनना है कूल, ठीक है, तुम हो रहे हो पापा के परिंदे, तुम बनोगे कूल, तो भाई तुम कूल वूल ना लग रहे हो, तुम लग रहे हो कति फूल, तो भाई इन चीज़ों पे ध्यान मत दो करो, अपना बढ़िया काम धंधा करो। और तुम्हें लग रहा है कि 300-400 व्यूज से मेरा घर बार चल रहा है, तो उससे बड़ा पागल तुम में से कोई ना, तुम्हें सीरियसली ऐसा लग रहा है जो व्लॉग में मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ कुछ भी करता हूँ, या तुम लोग मेरे लाइफ स्टाइल देखते हो तुम्हें सीरियसली ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब से मेरी इतनी कमाई हो रही है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, YouTube मेरा जो है ना एक काम है, ठीक है, मेरा जो काम इन द सेंस कि मैं इसको काम मानता हूँ अपना, मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए और अपने लिए भी, भाई करना चाहूँगा तो अपने लिए भी करूँगा ना, तो आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ अपने लिए करना चाहता हूँ, इसलिए मैं YouTube कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये मेरा काम है, अपने घर वालों से अलग हटके मैं कुछ करना चाहता हूँ, अगर मुझे घर वालों के साथ ही कुछ करना होता तो मैं आपको YouTube पर दिखता नहीं, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट बंदा हूँ मैं, ठीक है, तो आप खुद से कुछ करना चाह रहा हूँ इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो अगर जिन लोगों को गलत फहमी हो चुकी है ना कि भाई इनका तो घर ही से चल रहा है, तो मेरे भाइयों मैं बस साफ शब्दों में एक चीज़ कहूँगा, भाई तुम कर लो 15,000 सब्सक्राइबर तुम्हें मैं दे दूंगा, एक काम करो 500 व्यूज लगे तुम अपना घर चला लेना। भाई जिनको मतलब ये गलत फहमी हो चुकी है ना कि यार खाली YouTube, तो भाई ऐसा है, जो लोग ये कह रहे हैं ना इस टाइम, सबसे बड़े झूठे वो लोग हैं जो इस टाइम YouTube पे आगे कह रहे हैं कि मेरा तो घर YouTube से चल रहा है। भाई सबका अपना अलग काम होता है, ठीक है, मैं भी फिटनेस ट्रेनर हूँ, जाके मेरे सर्टिफिकेशन देख लो, इंस्टाग्राम पे जाके देख लो, लॉकडाउन में सबके कामों की लगी पड़ी है, सबका अलग भाई कोई ना कोई बिजनेस है, घर वालों का अलग होता है, सबका कुछ होता है, तभी वो लोग बैठे होते हैं। तुम्हें सीरियसली ऐसा लगता है कि भाई इतने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके और YouTube ने मेरे को वो सारा पैसा वापस कर दिया, तुम्हें मतलब सोचने वाली बात है यार, इस चीज़ को सोचो और ये चीज़ दिमाग से निकाल देना कि भाई YouTube पे बैठा है तो खाली YouTube का खा रहा है, वो भाई तुम लोगों की गलत फहमी है। अगर तुम्हें मतलब ज़्यादा ऐसा लग रहा है तो भाई मैं तो सिंपल से एक चीज़ बोलूँगा, चैनल खोल लो और 15,000 सब्सक्राइबर है मेरे, तुम 15,000 कर लो, चलो एक साल में कर लो, हाँ अलग, अगर तुम फालतू वाहियात वीडियो डालते हो या कुछ डालते हो तो तुम्हारे एक दिन में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ी इज्जत वाला जो कंटेंट है वो लेके आ जाते हैं, व्लॉगिंग दिखा देते हैं, डेली लाइफ दिखा देते हैं, घूमना फिरना कहीं वो दिखा देते हैं, वो अलग बात है। तो बाकी तुम लोग समझदार हो तो ये फालतू कमेंट मत किया करो, और ये रोस्टिंग जो करो हिसाब से करा करो ना, रोस्ट करने को भाई एक से एक बैठा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एक से एक बैठा है, लेकिन क्यों नहीं करते लोग यार फालतू चीज़ों में नहीं पढ़ना ना भाई, तुम खुद सोच रहे हो, तुम बाहर निकल, अच्छा एक काम करो अपने मोहल्ले से बाहर निकल के किसी जरा से बालक के रहपट मार के देखियो, तुम्हें बदले में 5 गाली ऐसी देगा, तुम्हारी रोस्टिंग है रखी रह जाएगी, अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम बहुत कूल लगते हो गालियाँ दे के, ठीक है, और ये आवाज़ निकाल के एंडी भेंडी सी, तो भाई जिसके लिए भी बोल रहा हूँ सबके लिए बोल रहा हूँ जो उल्टी सीधी कमेंट करते हैं मत किया करो, ठीक। बाकी भाई देखो व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, 8 मिनट का ही हो गया है, तो पूरी देख लेना इसको, अभी मैं यहाँ पे वीडियो बंद करता हूँ, गुड बाय, चेक केयर, अपने ध्यान रखो, और ये खाली उन लोगों के लिए था जो फालतू कमेंट करते हैं मेरी स्ट्रीम पे आके यहाँ पे आके, ठीक है, तो वैसे मैं ध्यान देता नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैंने नॉलेज के लिए वीडियो बना दिया बिना गंदबा के, तो गुड बाय, चेक केयर, लव यू गाइस, टेक केयर।